नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। चलिए शुरू करेंगे खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। खेल मंत्रालय कुश्ती संघ को किया सस्पेंड, कार्रवाई के बाद बजरंग पूनिया बोले पद्मश्री लूंगा वापस, साक्षी मलिक संन्यास के फैसले पर दोबारा करेंगे विचार। कुश्ती संघ पर एक्शन के बाद बृजभूषण सिंह का बयान, कहा संजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ चयन, तो वहीं साक्षी मलिक बोली मेरी चिंता नए एथलीट्स को लेकर, सरकार से नहीं है कोई लड़ाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीलवा में व्यास डेरा प्रमुख गुरविंदर सिंह से की मुलाकात, सीएम ने सुना सत्संग, इससे पहले सीएम ने ओटीएस में लोगों से की मुलाकात। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले राजेंद्र राठौड़, चूरू विधायक हरलाल सहारन और पराक्रम सिंह भी रहे साथ, राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर हुई चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर, अहमदाबाद में मेमनगर ग्राउंड में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिवार के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम में की शिरकत। इस दौरान शाह ने कहा पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की, एक कल्पना बहुत बड़ी कल्पना। जम्मू कश्मीर के पुंछ के शहीदों को श्रद्धांजलि, सेना के जवानों ने दिया आखिरी सलाम, तो आतंकी हमले के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। दुनिया भर में क्रिसमस की धूम, क्रिसमस ईव पर गिरजाघरों में हो रहे कई कार्यक्रम। देशभर में क्रिसमस से पहले की जा रही सजावट, चेन्नई में एक चर्च में क्रिसमस को लेकर की गई सजावट। देशभर में हो रहा क्रिसमस का आयोजन, क्रिसमस और नए साल से पहले श्रीनगर में चर्च को सजाया गया। गुजरात के पठानकोट में शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित हुआ ज्ञान गुरु क्विज कार्यक्रम, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की शिरकत, इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग रहे उपस्थित। 25 दिसंबर को पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा सुशासन दिवस, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होगा आयोजन, जिला मुख्यालय नगर निकाय से लेकर ग्राम पंचायत तक होंगे कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना ने किए ड्रोन से गिराए गोला बारूद और हथियार बरामद, एलओसी के पास से हथियार बरामद किए गए, 61 आईडी, एक ग्रेनेड, एक पिस्टल और 30 गोलियां बरामद, एक पैकेट के अंदर से 35,000 रुपए भी किए बरामद। एमपी के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का दिल्ली दौरा, दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का दिल्ली दौरा, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से की मुलाकात, अनुराग ठाकुर ने सीएम मोहन यादव का पारंपरिक तरीके से किया स्वागत। देशभर में क्रिसमस की धूम, क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए मनाली पहुंच रहे लोग, बड़ी तादाद में सैलानियों के पहुंचने से हुआ ट्रैफिक जाम। गुजरात के गांधीनगर में गृहमंत्री अमित शाह ने कलोल में पानसर तालाब का किया लोकार्पण। यूपी में 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा, दौरे को लेकर तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप, अलर्ट मोड पर प्रशासन। गुजरात के गांधीनगर में विशाल एकता सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की सम्मेलन में शिरकत, इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने एक रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की गोली मारकर की हत्या, शफी गांटाबुला शिरी मस्जिद में सुबह की नमाज पढ़ रहे थे, इस दौरान आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की और मामले की तफ्तीश शुरू की। गुजरात के द्वारका में नंदगांव में अहिर समाज की महिलाओं ने अखिल भारतीय महाराष्ट्र संगठन के कार्यक्रम में बनाया रिकॉर्ड, 37,000 से अधिक महिलाओं ने पारंपरिक वस्त्रों में सज धज कर अहिराणी महाराष्ट्र किया। दो दिन में सलार का ग्लोबल कलेक्शन 295 करोड़ से ज्यादा, शनिवार को देश में 56 करोड़ कमाए, तीन दिन में डंकी का डोमेस्टिक कलेक्शन 74 करोड़ से ज्यादा। बांग्लादेश में रिलीज हुई 3 घंटे रन टाइम वाली एनिमल, डिलीट किया गया 27 मिनट का ऑब्जेक्शनल कंटेंट, सलार को भी क्लियरेंस का इंतजार। मुंबई में अभिनेता शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर जुटे प्रशंसक, शाहरुख ने फिल्म डंकी के रिलीज के बाद एकत्रित हुए प्रशंसकों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर, माउंट आबू सहित कई जगह पारा जमा बिंदु के करीब, तो शीतलहर भी छुड़ा रही धूल। चौमू के आलिसार गांव में चोरों ने एक ही रात में 3 दुकानों को बनाया निशाना, 2 इलेक्ट्रिक की दुकान से मोटर और तार की चोरी, तो वहीं चाय की दुकान से गैस सिलेंडर लेकर फरार हुए चोर, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, फिलहाल पुलिस कर रही फरार चोरों की तलाश। अलवर के कठुमर में धाराकाबास गांव में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के तौर पर मनाया गया, कठुमर जाट धर्मशाला में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, समारोह में अतिथियों ने पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला, इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जयपुर के बिंदायका में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना, चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर सोने चांदी के आभूषण व एलईडी कैमरे सहित लाखों रुपए का सामान चुराया और फरार हो गए, सूचना पर एसआई और एएसआई मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया, पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू की।
अलवर के कठुमर खेडली रोड पर अनिल लाइट हाउस के नौकर से तीन बदमाशों ने रिवॉल्वर की नोक पर दिन दहाड़े 1,15,000 रुपए, दो मोबाइल और एक पर्स लूट लिया। मामले की सूचना पर कठुमर खेडली के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। जयपुर के बिंदायका विद्युत सहायक अभियंता कार्यालय में स्नेह मिलन समारोह और पौषपड़ा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एएन राजेंद्र चौधरी ने बताया कि कालवाड़, मुरलीपुरा, करधनी, वैशाली नगर, बगरू सहित विद्युत विभाग के अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर मंदिर परिसर में भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई और सभी ने प्रसादी ग्रहण की। जयपुर के गुनेर में द्वितीय श्याम बाबा भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंडाल को रंग बिरंगे फूलों और गुब्बारों के साथ सजाया गया। भजन गायकों और श्याम प्रेमियों का माला के साथ दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। पुष्प वर्षा और इत्र वर्षा के साथ बाबा को 56 भोग लगाया गया। जयपुर के जम्वा रामगढ़ में दुकानदार पर हुए जानलेवा हमले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश। पूर्व विधायक ने समर्थकों के साथ बस स्टैंड पर धरना दिया और हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस वृत्ताधिकारी ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की, साथ ही हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। दौसा के सिकराई के सराय गांव में शराब का ठेका बंद कराने को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने दौसा लालसर मार्ग पर जाम लगाने की कोशिश भी की। मामले की सूचना पर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, जिसे लेकर थानाधिकारी ने शराब ठेके बंद कराने की मांग को लेकर आबकारी विभाग को सूचित किया। दौसा के सिकराय में डाबरढाणी पर निजी स्लीपर बस के द्वारा ट्रोले को टक्कर मार दी गई। हादसे में आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे में 4 गंभीर घायलों को सिकंदरा अस्पताल में एडमिट कराया गया। दुर्घटना के बाद हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। जम्वा रामगढ़ के विधायक महेंद्रपाल सिंह मीना का उनके निवास स्थान पर माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान फार्मासिस्ट संगठन प्रभारी ओम प्रकाश बाडीवाल के नेतृत्व में अधिवक्ता हरीश मीना, गिराज मीना सहित बाबूलाल भी उपस्थित रहे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में सीजन का पहला घना कोहरा छाया। घने कोहरे की वजह से NH21 पर वाहन रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आए। मेहंदीपुर बालाजी में दुकानदार कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए नजर आए। अनाव का भी सहारा लोगों ने लिया। जयपुर के सांभर में पूर्व विधायक और भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ राष्ट्रीय सचिव निर्मल कुमावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं से किया संवाद। विधायक ने कार्यकर्ताओं से फुलेरा विधानसभा की हार की समीक्षा करते हुए विचार विमर्श किया। कुमावत ने विधानसभा में मिले समर्थन और सहयोग के लिए लोगों का आभार जताया। जयपुर के जम्वा रामगढ़ के राहोरी में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महिलाओं ने सरपंच के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली। अयोध्या से प्राप्त पूजित कलश को लेकर महिलाएं लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से जगह जगह कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। जयपुर के सांगनेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आशावाला में शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन बालकों के साथ रूबरू हुए। बालकों से रूबरू होकर कर्तव्य के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व से कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए जयपुर में प्रभात फेरी निकालकर अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने का न्योता दिया जा रहा है। राम भक्त पीले चावल लेकर घर जा रहे हैं। शहर के प्रतापनगर में प्रभात फेरी निकाली गई। रघुनाथपुरी प्रथम पिंजरापोल गौशाला धाकड़ कॉलोनी में प्रभात फेरी निकाली गई और राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया। लोगों से 22 जनवरी को घर में 5 दीपक जलाकर खुशियां मनाने की अपील की गई। जयपुर के सांगनेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत के पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान ग्रेटर नगर निगम के चेयरमैन और वार्ड पार्षद अरुण शर्मा ने बताया कि विकसित भारत की संकल्पना को लेकर विकसित वार्ड के लिए 150 दिनों की योजना बनाकर वार्ड के विकास का संकल्प लिया गया। जयपुर की चौबू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में झुंझुनू जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग के अध्यक्ष मनोज भील ने किया राजस्थान का प्रतिनिधित्व। इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग जयपुर ने भील को नामित किया। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी के संत शिरोमणि की समाधि के 1 साल पूर्ण होने पर सारनाथ मंदिर में हवन यज्ञ महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया। मधुसूदन भिंडा और विनोद देवड़ा ने पूजा अर्चना की और भगवान नाथ को त्रिशूल, चरण पादुका, कमंडल, रुद्राक्षमाला अर्पित करके विशेष पूजा अर्चना कर स्थापित किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर उपभोक्ता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कई स्टॉल्स लगाई गई। कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और अतिरिक्त जिला कलेक्टर अंजुम ताहिर सम्मा ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, साथ ही स्टॉल्स पर जाकर विस्तार से जानकारी ली। बलौदी में भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में पंजीकरण और लाभान्वित किया जा रहा है।
जैसलमेर के फलसुण के फरसानी भीलों की ढाणी में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर में रखी संदूक से चांदी के आभूषण और रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को सूचित किया, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और साथ ही अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की। जैसलमेर के फलसुण कजोई गांव में कर्णी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित हुए यंग स्प्रिंग 2023 के तहत विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। सचिव नाथुदान चारण की अध्यक्षता में कबड्डी क्रिकेट वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। बलौदी में बालखाना निस्तारण अभियान के दौरान न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष 2020 के 11 प्रकरणों में बालखाने में जब्त अवधि पार शराब को नष्ट किया गया, जिसमें 51 कार्टून में कुल 2450 पवे, 3 कार्टून लीटर बियर, 60 लीटर स्प्रिट निर्मित अवैध शराब, 600 ढक्कन, पैकिंग मशीन, 500 लीटर प्लास्टिक की टंकी और इन सभी को जेसीबी की सहायता से नष्ट किया गया। जैसलमेर के फलसुण में नई भिकोड़ाई में सऊओं की ढाणी में पानी के लिए बनी जीएलआर और पशु खेली पिछले 3 वर्ष से जर्जर हालत में है। इसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उपसरपंच सुखाराम सऊ ने कई बार विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों को 3 साल से पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर के फलसुण भणियाणा में आगामी 26 दिसंबर को भगवान दत्तात्रेय जयंती महोत्सव की तैयारियों को लेकर गोस्वामी समाज की ओर से शिव मंदिर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महोत्सव को हर्षोल्लास से मनाने के लिए समाज बंधुओं के साथ विचार विमर्श किया गया। साथ ही उपस्थित गोस्वामी समाज के लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई। तनसिंह जन्म शताब्दी समारोह को लेकर निकाली जा रही संदेश यात्रा जालौर पहुंची, जिस पर यात्रा का जालौर शहर में भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के माध्यम से जन्म शताब्दी समारोह को लेकर दिल्ली में होने वाले विशाल कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण भी दिया गया। पाली के सुमेरपुर में राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर आमंत्रण के लिए अक्षत कलश तखतगढ़ पहुंचने के बाद भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा का जगह जगह शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। श्रीगंगानगर में नगरी विजय दिवस के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ रामलीला मैदान से शुरू हुई। इस दौरान 5, 10 और 21 किलोमीटर की मैराथन में आयोजित युवा शहरवासियों ने उत्साह से भाग लिया। टोंक में किसान दिवस के मौके पर कृषि मंडी में राष्ट्रीय किसान महापंचायत की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने शिरकत की। किसानों ने 10 सूत्री मांगे रखी तो एसडीएम ने कृषि मंडी पहुंचकर किसानों की सभी समस्याओं को सुना और मांगों को लेकर कमेटी बनाकर निर्णय करवाने का आश्वासन दिया। टोंक में सुबह से ठंड का जोरदार असर नजर आ रहा है। सुबह ही शहर से लेकर ग्रामीण इलाके में कोहरे का आगोश नजर आया। कड़ाके की ठंड और कोहरे ने आम जीवन को प्रभावित किया। कोहरे की वजह से आमजन को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। अजमेर के पिसांगन में हनुमानपुर खेड़ा में हाईवे सरपट दौड़ती कार का गोला बन गई। कार में अचानक आग लगने से चालक ने दूर भागकर जान बचाई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इसके बाद आवागमन सुचारू हुआ। नागौर के रियाबटी में मेड़ता सिटी विधायक लक्ष्मण राम मेघवाल के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। विधायक ने अम्बेडकर शिक्षक संघ की संगोष्ठी में शिरकत की। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नागौर के मेड़ता क्षेत्र में सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई, जिसमें लुटेरों ने अनजान नंबर से कॉल कर पीड़ित को बुलाया, फिर जंगल में लेकर मुंह पर टेप बांधकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे पीड़ित के मोबाइल, पर्स, ड्रोन और कैमरा, बाइक की चाबी लूटकर फरार हो गए। झालावाड़ के ड्रग बड़ौद मार्ग पर अनियंत्रित पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई, एक अन्य घायल हो गया। मृतक और घायल को एक स्वाट की सहायता से ड्रग अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। घायल का प्राथमिक उपचार शुरू किया गया। बारा के छिपा बड़ौद के सारथल में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के 50 विद्यार्थियों का दल 6 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना हुआ। यात्रा की बस को एसएमसी अध्यक्ष प्रदीप गौतम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, साथ ही विद्यार्थियों को मंगल यात्रा की शुभकामनाएं दी। झलावाड़ के सतोलिया गांव में अंतिम संस्कार करने पहुंचे युवक पर मौजूद पुजारी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसे झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में पहुंचाया गया। युवक का इलाज जारी है। पूरे मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुजारी राजू बैरागी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ जारी। बारा के छिपा बड़ौद के ढूलम गांव में राम जन्मभूमि अयोध्या से आए अमृत कलश के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में विशाल जनसमूह के साथ माता बहनों ने उत्साह से भाग लिया। सौरान गांव में अक्षत कलश यात्रा और श्रीमद भागवत का गांववासियों ने भगवा ध्वज लहराकर रंगोली बनाकर और दीपक जलाकर भव्य स्वागत किया। झालावाड़ शहर के कोतवाली थाना इलाके में मल मोहल्ला बस्ती में 3 वर्षीय बच्चा साइकिल चलाते वक्त एक निचली मुंडेर के कुएं में जा गिरा। घटना के बाद कुएं में गिरे बच्चे के भाई ने दौड़कर परिवार के लोगों को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और कोतवाली थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने सिविल डिफेंस के गोताखोरों को मौके पर बुलवाया और लगातार बच्चे की तलाश कुएं में करवाई जा रही है।
उदयपुर की टीडी थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल लूट के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। राजसमंद में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर लौटे पावर लिफ्टर्स का नाथद्वारा के नगरवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। हैदराबाद में आयोजित हुई वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैलेंज प्रतियोगिता में वेट लिफ्टर सूर्यप्रकाश छापरवाल, क्रिस छापरवाल और सुरेश चरणाल ने कांस्य पदक जीता। इसको लेकर राजसमंद में द्वारकाधीश मंदिर परिसर में नगरवासियों ने उनका स्वागत किया। राजसमंद के कांकरोली में ट्रैक्टर ने टेम्पो को टक्कर मार दी। घटना में टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एक स्वाट एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। टेम्पो में सवार दो अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई। घटना के बाद से ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उदयपुर के अंबा माता थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 महीने से फरार मोबाइल लूटने के आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने उसके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल भी जब्त किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से गहनता से पूछताछ में जुटी है, जिससे और भी लूट की वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। बांसवाड़ा के घाटोल विलवापाड़ा में NH56 पर पुलिस वाहन की टक्कर से बाइक सवार चालक दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पुलिस वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। घायलों को उपचार के लिए घाटोल CHC से जिला अस्पताल रेफर किया गया। बांसवाड़ा के घाटोल के गांव रामली में महिला चंदा देवी ने जैसलमेर में आयोजित लखपति दीदी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के समक्ष महिला स्वयं सहायता समूह से संबंधित कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बांसवाड़ा के घाटोल में 10 माह से पीहर में आकर रह रही विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता का शव बबूल के पेड़ में फंदे पर लटका मिला, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर ससुराल पक्ष को सूचना देकर शव को फंदे से उतरवाकर बांसवाड़ा की मोर्चरी में रखवाया। प्रतापगढ़ के PG कॉलेज ऑडिटोरियम में कांचल संध्या का आयोजन किया गया। SP अमित कुमार की पहल पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतापगढ़ को पर्यटन के नक्शे पर उभारने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंस्टाग्राम पेज और एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। प्रतापगढ़ के धोली घाटी में सीमेंट से भरा ट्रेलर दो टुकड़ों में बट गया। गनीमत रही कि इस दौरान ट्रेलर के आगे पीछे कोई वाहन नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रेलर चालक और परिचालक पूरी तरह से सुरक्षित है। इस दौरान ट्रेलर में भरे सीमेंट के कट्टे सड़क पर बिखर गए। सूचना पर मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और सीमेंट के कट्टों को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया। डूंगरपुर के आनंदम धाम पीठ वृंदावन के पीठाधीश्वर संत रितेश्वर महाराज के प्राकट्योत्सव के मौके पर आगामी 4 जनवरी से 7 जनवरी तक सदगुरु प्राकट्योत्सव महोत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर आनंदम धाम समिति ने अधिक से अधिक धर्म प्रेमियों से महोत्सव में भाग लेने का आह्वान किया। डूंगरपुर में निर्माणाधीन मकान में अज्ञात बदमाश 1.25 लाख रुपए की केबल चुरा कर ले गए। घटना पर कोतवाली पुलिस को सूचित किया गया, जिसको लेकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। धौलपुर बाड़ी मार्ग पर छावरीपुरा के पास निजी बस पलट गई। घटना में बस में सवार आधा दर्जन से अधिक बस सवारियां घायल हो गई। घटना की सूचना के बाद सदर थाना पुलिस ने हाईवे की एम्बुलेंस से घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। कुछ लोगों को धौलपुर के निजी चिकित्सालय भेजा गया। भरतपुर के बयाना में मौसम में बदलाव के चलते सुबह से ही कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो गई, इस वजह से वाहनों की रफ्तार भी धीमी हुई। हाईवे से गुजरने वाले वाहन भी लाइट जलाकर आवागमन कर रहे हैं। बालोतरा में लोगों को लंबे समय से ओवरब्रिज के उद्घाटन का इंतजार था। लगभग 100 करोड़ की लागत से ह्यू ओवरब्रिज बनाया गया, जो कि 5 साल चले काम के बाद अब बनकर तैयार है। NHAI की ओर से इस ओवरब्रिज को बनाया गया। देसुरी जोजावर स्टेट हाईवे पर कोलर गांव के पास जंगल से निकलकर भालू सड़क पर आ गया। इससे राहगीरों के द्वारा शोर मचाने पर सड़क किनारे झाड़ियों में जाकर बैठ गया। सूचना पर कोट चौकी से वनपाल में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। राजसमंद के उसरबास गांव में चोरों ने जमकर धमाल मचाया। चोरों ने गांव के 3 मकानों से ताला तोड़कर घर से सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी चुराई और फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। इसलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।